कैथलिक क्लीसिया के रहनुमा पोप फ्रांसिस ने गुज़श्ता रोज़ अपने बयान में कहा कि वो रोज़ाना गजा पट्टी में कैथलिक कम्युनिटी के अरकान से फ़ोन पर बात करते हैं और वो मुश्किल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने मजीद कहा, जब आप बच्चों की लाशें देखते हैं, जब देखते हैं कि चंद छापामारों की मौजूदगी के शबा में एक स्कूल पर बमबारी की जा रही है, तो ये एक मज़मूम हरकत है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जंग हद से गुजर चुकी है। उन्होंने इससे कबल फौरी जंग बंदी, कैदियों की रिहाई और गजा के लिए इंसानी अमदाद का मुतालबा किया और कहा था कि गजा में पोलियो समेत कई बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने बैतुल मुकद्दस को एक ऐसा मकाम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया जहां मसीहियों, यहूदियों और मुसलमानों का एहतराम किया जाए और उन्हें तस्लीम किया जाए। उन्होंने कहा, अर्ज़ मुकद्दस में अमन होना चाहिए, यरूशलम में अमन होना चाहिए।